Assalamualaikum class 8. How are you? Fine, alhamdulillah. Okay. Class 8 we have learnt about trigonometry and trigonometric ratios. What is trigonometry? Ji, it is measurement of triangles. Measurement of triangles, trigonometry is used to find the solution of triangle. And solution of triangle means This is the statement of Pythagoras theorem. Base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. Okay, and this is used to find the missing sides of a triangle. Is it clear, students? Okay. Now, exercise 11.1, question number 3. Given that exercise 11.1, question number 3. Given that in a right angle triangle ABC, triangle हमारे पास कैसी है? ABC right angle triangle. And right angle is on point B. It means हमारे पास एक triangle है. Triangle और B point पे क्या है? Right angle. And measurement of angle C is 60 degree. For example, this is C, the measurement of angle C is 60 degree. So, if this point C is A, this B is A, then obviously this point is A. And now, we have not this angle given. Can we find this angle? Yes, we know that the measurement of all the three angles of a triangle is equal to 180 degree, very good. So 90 degree plus 60 degree plus angle A is equal to 180 degree. 90 plus 60 is 150 degree plus angle A is equal to 180 degree. Is it clear? ये मैंने लिखा है कि the sum of three angles of a triangle is equal to 180 degree. और यहां मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया है. टू फाइंड द एंगल ए वी शिफ्ट 150 टू राइट साइड. और जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा. एंगल ए इज 180 माइनस 50 इज 30 डिग्री. ओके, एंगल ए हमारे पास क्या आ गया है?
एनीवन हैव एनी आइडिया? यस, वेरी गुड. हम बेस फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. ओके जी, टू फाइंड द बेस वी यूज पाइथागोरस थ्योरम व्हिच इज सपोज द मिसिंग साइड बेस इज एक्स. इसको हमने क्या सपोज कर लिया है? एक्स. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज. सो बेस इज एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज सी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. एंड एक्स इज बेस. टू फाइंड बेस वी शिफ्ट दिस सी स्क्वायर टू राइट साइड. x square is equal to b square minus c square. This is square. हमें base का square नहीं चाहिए, हमें base चाहिए. To eliminate this square, taking square root on both sides. On both sides, x square is equal to b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ये स्क्वायर जो है आपका स्क्वायर रूट के साथ कटिंग हो गया. एंड वी हैव फाइनली बेस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ओके, ये आपका यूनिट नंबर 9 की रिवाइज हो गया. एक्सरसाइज 9.1 में हमने यही काम किया था, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए मिसिंग साइड फाइंड आउट की थी. और यहां हमारे पास मिसिंग साइड क्या है? बेस. टू फाइंड आउट बेस वी यूज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम इज बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर. ठीक है, और जब हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला तो हमारे पास बेस का स्क्वायर है. टू इलिमिनेट दिस स्क्वायर हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास बेस आ गई है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमने एक्सरसाइज 9.1 का फॉर्मूला यूज किया है और उसके थ्रू हमने ये कैलकुलेट किया. ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास मिसिंग एंगल एक मिस था, वो भी आ गया है. अब उसके बाद एक साइड मिसिंग थी, बेस, वो भी हमने फाइंड आउट कर ली है. अब मैंने इस एक्स की जगह पे क्या लिख दिया है? स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ओके, नाउ फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब हमने इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है. हमारे पास एंगल्स गिवन है, साइड्स गिवन है, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी ओवर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी. कोई मुश्किल है इसमें? बी सी क्या है आपका? मेजरमेंट ऑफ बी टू सी इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. तो आप ये लिख दें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए बी. आपकी मेजरमेंट क्या है? सी. जी, दिस इज योर आंसर सिंपली. एनी प्रॉब्लम? नो. ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका टेन सिक्सटी डिग्री. अब यहां एंगल इन्वॉल्व है 60. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि आपका बेस एंगल है 60 डिग्री. यस, तो फिर अब आप tan का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. tan इज इक्वल टू क्या होता है? वेरी गुड, परपेंडिकुलर ओवर बेस. व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस ट्रायंगल? ए टू सी विच इज इक्वल टू सी ओवर बेस इज स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ओके, सिक्स पार्ट इज कॉट 60. सिक्स पार्ट आपका क्या है? कॉट 60. टू फाइंड कॉट 60 हमने क्या करना है? जस्ट टेक द रेसिप्रोकल ऑफ टेन 60 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर सी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हमारे पास ट्राइंगल गिवन है और हमें उससे हमने रेशियोज फाइंड आउट करनी है. एंड दिस इज वेरी इजी. नेक्स्ट सेवन्थ पार्ट जो है, अब आपका एंगल इन्वॉल्व हो गया 30 डिग्री. तो क्या यही ट्राइंगल यूज करेंगे?
नो ओके गुड